आओ दोस्तों आओ, मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है कि आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है। क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई, जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्तों। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं। टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है, और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते। ओ, यह जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आप क्या सोचते हो, टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा। चलाता है भाई, वह भी मोबाइल चलाता है। और तो और, दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वह यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती है तो छोड़ दो ये मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बड़ी अजीब है, यह केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाएं तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो। सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे। क्या होगा उनकी उम्मीदों का। जागो भाई जागो, और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, यह क्या कह दिया मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल में कम से कम 10 बार बना चुके होंगे और हमेशा सोचते होंगे कि इसे कल से फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने। तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक के रूप से, दिमाग नहीं है उनमें। और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो एक कड़वी बात, अगर यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ यह कहेगी कि देखो, यह वो व्यक्ति है जो खुद तो जिंदगी में कुछ न कर सका और अपने माँ बाप के पैसों से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी माँ बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे। ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे उन्हें खाली हाथ। कौन जिम्मेदार होगा इसका, आप होंगे। और यदि आपके माता पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं। अब भी समय है, जाग जाओ, और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसे लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो। छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल हो ही नहीं सकती, वह तो आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया तो फिर आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो।
उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिससे तुम प्यार करते हो और जिसका जीवन साथी बनने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसकी खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ न होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ न हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपके जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ज़्यादा समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर SMS कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पढ़ाई में सहायता करने की। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। हेलो दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को उन दोस्तों तक ज़रूर भेजना जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता हो। शुक्रिया।